देखो समझो मेरे सामने और सीट पर बैठ गए शाश्वत गोयल जी, ये एक ई कॉमर्स कंपनी में स्ट्रेटजी मैनेजर हैं और ये दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाश्वत जी। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि स्ट्रेटजी मैनेजर ई कॉमर्स ये किस तरह की नौकरी होती है? जी सर, जब मैं रोज सुबह उठता हूँ मेरे मन में भी सबसे पहले एग्जैक्टली यही सवाल आता है कि ये काम क्या होता है, मैं करता क्या हूँ। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, ये एक टेक्निकल और मैनेजमेंट नौकरी दोनों का मिक्सचर है। आप ये समझ लीजिए दैट मैं एक इंटरनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बहुत अच्छा। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये चिन्ह है सामान्यतः क्या दर्शाता है? ये एक इमेज प्रश्न है, व्हाट डज दिस सिंबल जनरली इंडिकेट? तस्वीर दिखाई जाए, देख लिया। ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए लो बैटरी, बी अ वेबसाइट, सी अ लोकेशन, डी वाईफाई। बैटरी कम है, एक वेबसाइट, एक स्थान या वाईफाई? सर ये लोकेशन का चिन्ह है क्योंकि जब हम मैप्स की कोई भी ऐप यूज करते हैं, गूगल मैप्स हो गया, तो उसमें ये हमेशा आता है कि ये आपकी डेस्टिनेशन है, तो उस पर ये लाल रंग का चुंडू सा बना आता है। तो सी ए लोकेशन, इसको ए लोकेशन, इसको लॉक किया जाए, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से कौन सा देश खाड़ी नामक क्षेत्र में नहीं स्थित है? Which of these countries is not located in the region popularly known as the Gulf? Option suniye, A UAE, B Romania, C Yemen, or is it D Oman? Sanyukt Arab Amirat, B Romania, C Yemen, ya D Oman? Sir, UAE, Yemen aur Oman tino hi Gulf region mein sthit hain. To Romania Europe mein, तो इसका सही आंसर रोमानिया होना चाहिए। ऑप्शन बी को प्लीज लॉक किया जाए, बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। रोमानिया जो है वो ईस्टर्न यूरोप में है, बाकी तीन जैसे कि आपने कहा वो सब गल्फ कंट्रीज। ऑलराइट, आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किसी उत्पाद पर इनमें से कौन सा चिन्ह इंगित करता है कि यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित एक मानक के अनुरूप है? Which of these marks on a product indicates that it conforms to a standard developed by the Bureau of Indian Standards? All right? ऑप्शन सुनिए, ए एग मार्क, बी ब्लू डॉट, सी ISI, और इज इट डी इको मार्क? सर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अगर किसी प्रोडक्ट पे होता है तो उसपे जो चिन्ह होता है वो ISI होता है, तो ऑप्शन सी ISI को लॉक किया जाए। सी जी, ऑलराइट, सी ISI पे ताला लगाया जाए, प्लीज लॉक, सी इज द राइट आंसर। वेल डन। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ২০২১ में अनीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? इन 2021 अनीता आनंद took charge as the Minister of National Defense of which country? ऑप्शन सुनिए, ए Canada, B Norway, C United Kingdom, D Fiji। सर मुझे इसका कोई अंदाजा तो नहीं है, तो मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। शांत हो जाइए, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगे? वही सोच रहा हूँ कि कौन सी लूं। मैं वीडियो फोन अ फ्रेंड यूज करना चाहूंगा। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। शाश्वत, आपने तीन नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये है वो नाम। क्षितिज जायसवाल है, कमल दत्ता है और सकुल गर्ग। सर क्षितिज जायसवाल से बात करें।
किन से? क्षितिज, क्षितिज जायसवाल। ऑलराइट, क्षितिज जायसवाल से वीडियो कॉल करना चाह रहे हैं, इसे कनेक्ट किया जाए। क्षितिज जायसवाल जी आपके मित्र है, साथ में काम करते हैं? आई एम लखनऊ में बैचमेट्स थे। ऑलराइट, ओके, बैचमेट। ऑलराइट क्षितिज, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते अमित जी, आपके बैचमेट शाश्वत जी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। रेडी क्षितिज? ऑलराइट जी, बिल्कुल। शाश्वत, आपका समय शुरू होता है अब। अनीता आनंद took charge as the Minister of National Defense of which country in 2021? I repeat, Anita Anand took charge as the Minister of National Defense of which country in 2021? Option A, Canada. Option B, Norway. Option C, UK. Or option D, Fiji. इसका आंसर मुझे तो लग रहा है between A, Canada और C, United Kingdom. बट आई थिंक ए कैनेडा पे आई एम 80% श्योर। ओके, 80% ऑन कैनेडा या? अच्छा, ठीक है। सर, आई ऑल्सो गो विद ऑप्शन ए, कैनेडा। तय कर लिया है इन्होंने, ऑप्शन ए कैनेडा पे ताला लगाया जाए। 80% कहा था ना उन्होंने, 20% कहा था यूनाइटेड किंगडम पे था जी। तो यूनाइटेड किंगडम बोलते तो गलत होते, कनाडा इज द राइट आंसर। वरना 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। एक दिवसीय विश्व कप में एक सम्मान के संबंध में इस क्रम में अगला कौन है? विद रिस्पेक्ट टू एन ऑनर एट द ओडीआई वर्ल्ड कप, हु कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? और वो सीक्वेंस आपको ये इमेज में दिखाई देगा। कैन यू सी द इमेज प्लीज? रेडी टू गो? यस। ऑप्शन देखता हूं। ए, MS धोनी। बी, युवराज सिंह। सी, मिचेल स्टार्क। डी, एडम गिलक्रिस्ट। एन ऑनर एट द ओडीआई वर्ल्ड कप, समय समय आपके पास खेलिएगा जरूर, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क है। दो लाइफलाइंस बची हुई हैं। सही उत्तर 6:40। सर, 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन तेंदुलकर थे। 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीती थी और उसमें ग्लेन मैकग्रा वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप 4 साल ऐड करूँ तो 2011 में हुआ था, इंडिया में हुआ था और इंडिया ही जीती थी। विनिंग कैप्टन MS धोनी थे बट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह, तो युवराज सिंह शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। तो ऑप्शन बी, युवराज सिंह को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी, युवराज सिंह, ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। क्या बात है शाश्वत। 12वें प्रश्न पर जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? यस। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? द न्यूज ऑफ विच ऑफ दीज वॉज अनाउंस्ड इन द पेपर्स in London on the day of the coronation of Queen Elizabeth II. Option suniye: A,
launch of Sputnik, B. Moon landing, C. First heart transplant, or was it D. Summiting of Mount Everest? Sputnik ka prakshepan, chand par manav ka pehla kadam, pehla hriday pratyaropan, Mount Everest par safal chadhai. कष्ट रहो तो आपके पास अभी भी दो लाइफलाइन बची हुई हैं. सही आपको पहुंचा देगा 12:50 पे, गलत नीचे गिरा देगा 3:20 पर. सर अभी हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हुआ था, तो तब ये मैंने जरूर पढ़ा था कि उन्हें 70 साल से शी हैज बीन द मोनार्क ऑफ यूके. तो 22 से अगर 70 सब्ट्रैक्ट करूं तो 1952 में आ जाएंगे. मून लैंडिंग 60s में हुई थी तो वो तो नहीं है. फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट मैं श्योर नहीं हूं, बट 95 मैंने कहीं पढ़ा है, बट नॉट 100% श्योर. समिटिंग ऑफ द माउंट एवरेस्ट was done by Edmund Hillary and Tenzing Norgay. जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 52, 53, 54 कुछ ऐसा था साल. Launch of Sputnik. Sputnik Russia launch करेगा and वो directly NASA के साथ compete करते थे. Sputnik moon mission तो नहीं था, it was just you know, a satellite that was going into space. But late 50s, early 60s hona chahiye. To is timeline ke hisab se summiting of Mount Everest is the closest option that comes to my mind. सर ऑप्शन डी लग तो रहा है. सर थोड़ा रिस्क है बट रिस्क लेना चाहूंगा. ओके क्या करें? ऑप्शन डी को लॉक किया जाए. ऑप्शन डी? जी. समिटिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट ऑप्शन डी चुना है शाश्वत गोयल जी ने. इसको ताला लगा जाए. बहुत सारा आपने सालों का विश्लेषण किया, मून लैंडिंग के बारे में कहा, फर्स्ट हार्ट प्लांट के बारे में कहा, और उम्र के हिसाब से क्वीन एलिजाबेथ का आपने अभी देखा कि एटलीस्ट 70 ईयर्स. लॉन्च ऑफ स्पुटनिक जो था वो आप सोच रहे थे बिटवीन द 50s एंड कहीं था. सर अगर आप लॉन्च ऑफ स्पुटनिक कहते तो आप गलत होते. दिस इज द राइट आंसर.